हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आप लोगों के रिक्वेस्ट के अनुसार हम लोग उड़ान प्लस 500 डेज वाले जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले रिमेनिंग करंट अफेयर्स है, दैट इज फैब से लेकर मई वाले, उसे कवर करेंगे, है ना। और बात मानो, ये इन्वायरमेंट का आपको वैसे तो करना ही चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट से 15 क्वेश्चंस आते हैं, तो एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर किया जाए, इसके लिए इन्वायरमेंट पर मजबूती होना जरूरी है। और इसे हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हाँ कंसेप्चुअल आते हैं, है ना, तो उस पर हम फोकस करेंगे। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स मूव टू द टॉपिक। तो देख सकते हो ये सब टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे, डायरेक्टली हम मूव करते हैं टॉपिक के ऊपर। सबसे पहली बात, 2021 में ईयर ऑफ इंडो फ्रेंच अलायंस टुवर्ड्स ए ग्रीनर प्लैनेट ये सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इंडो फ्रेंच कोऑपरेशन को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बढ़ाया जाएगा, है ना, इफेक्टिवनेस को भी बढ़ाया जाएगा इन फेवर ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड ग्रेटर विजिबिलिटी भी दिखाई जाएंगी। क्या थीम है, तो फाइव मेन थीम है। पहला है आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज, एंड जो आपका लास्ट फाइव फिफ्थ है, एनर्जी एफिशिएंसी। तो ये फाइव थीम्स को आप याद रख सकते हो, क्योंकि पूछा जा सकता है थीम्स को, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो इंडियन साइड की तरफ से आपका ये कोऑर्डिनेट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा, अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर कंसर्न मिनिस्ट्री। तो वेरियस मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन आपको ये जरूरी याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट जो है इसमें कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर पेरियार टाइगर रिजर्व। क्या जानना है आपको, न्यूज उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप यहाँ पे सबसे पहले पेरियार टाइगर रिजर्व को देखो। लोकेशन कहाँ है आपका, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इदुक्की एंड पथा नाम थीटा, ये दो डिस्ट्रिक्ट में ये आपका पेरियार पड़ता है, और कंप्लीटली ये केरला में लाई करता है, ठीक है। तो क्या याद रखना है, टू डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का नाम याद नहीं रखने, ठीक है। ये दुखी डिस्ट्रिक्ट याद रख सकते हैं तो रख लो, तो वैसे डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं याद रखने, दो डिस्ट्रिक्ट है ये आप याद रख सकते हैं। और फॉर्मेशन की बात करें तो देख लो, सेंचुरी आपका 1950 में डिक्लेयर हुआ था, टाइगर रिजर्व आपको 1978 में, और ये इसको नाम पड़ा है बेसिकली रिवर पेरियार के आधार पर, क्योंकि इसका जो ओरिजिन है यहीं से होता है। ड्रेनेज की बात करें तो सिर्फ पेरियार ही नहीं, आपका मुल्लयार भी रिवर फ्लो करता है। फ्लोरा की बात करें तो यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, मॉइस्ट डिसीडियस ग्रासलैंड ये मिल जाते हैं, ठीक है। और ये डिटेल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और कुछ इंडेमिक जो आपको मिलेंगे यहाँ पर, आपका सीजियम पेरियारनिशिस, नाम से ही पता चल रहा है ना, पेरियारनिशिस, तो पेरियार से ही मिल जाएगा आपको। फिर यहाँ पर देख सकते हो हेवरनेरिया पेरियारनिशिस, तो इसको भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन हाँ ये याद रखना है कि हेवरनेरिया पेरियारनिशिस जो आपका ऑर्चिड है, एंड म्यूक्यूना प्रूनेश, और ये आपका क्लाइंबर है, ठीक है। एंड फौना की बात करें तो मैमल्स में आपको टाइगर, एलिफेंट, लायन टेल, मकाओ, नीलगिरी थार ये तो मिल ही जाएंगे। बर्ड्स के क्षेत्र में आपको देख लो डार्टर्स, कॉरमोरेंट्स, किंगफिशर्स ये सब मिलते हैं, ग्रेट मैलाबार हॉर्नबिल तो मिलेगा मिलेगा, है ना। एंड रैकेट टेल्ड ड्रैगन्स में मिलते हैं। रेप्टाइल्स के क्षेत्र में मॉनिटर, ब्लिजार्ड, पाइथन, किंग कोबरा ये मिल जाते हैं। ट्राइबल्स की बात करें तो यहाँ पर आपका सिक्स ट्राइबल कम्युनिटीज मिल जाते हैं, तो इस रिजर्व के अंदर रहते हैं, जैसे मन्नांस, पलयांस, मलयारांस, मला पंडराम्स एंड उरलिश एंड उलादांस, ठीक है। तो ये ट्राइबल्स के दो तीन नाम याद रख लो, क्योंकि ये मैच द फ्लोइंग में पूछता है। और ये आपका केरला का पूरा लोकेशन है, और आप देख सकते हो इसमें आपका पेरियार है ना, इसमें आपका वायनाड, वायनाड भी आपका केरला में ही, आपको भी पता है। साइलेंट वैली भी केरला में ही, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। और फिर आप देख सकते हो इरवाकुलम है ना, एंड आपका बाकी चंद्रुनी, पेपरा ये नयार, ये सब जो दिखाए जा रहे हैं ग्रीन कलर में, ये आपका फॉरेस्ट कवर है, लेकिन उतनी डिटेल में नहीं जानना है। लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि वायनाड आपका केरला में, साइलेंट वैली भी आपका केरला में, और आपका जो पेरियार है वो भी केरला में है, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी पूछ सकता है आपका नॉर्थ और साउथ, तो वायनाड याद रख लेना, नॉर्थ में है, उसके बाद साइलेंट याद रख लेना, उसके बाद आपका पेरियार याद रख लेना, तो 1 2 3 नॉर्थ साउथ, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2020। तो बेसिकली न्यूज में आपका इसलिए है क्योंकि यूएनईपी ने ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2021 रिलीज किया है। भाई साहब, ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है यूएनईपी के द्वारा इन कॉपरेशन विद सबीन सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज लॉ एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी, और ये आपका क्लाइमेट लिटिगेशन केसेस को हाईलाइट करता है जो इंक्रीज हुई है रिसेंट ईयर्स में, ठीक है। और अगर की फाइंडिंग की बात करें तो देख लो, एज पर द रिपोर्ट क्लाइमेट केसेस ये नियरली डबल हुए हैं ओवर द लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। और जो केसेस है वो कंपेल भी कर रही है गवर्नमेंट को कि ये मोर एम्बिशियस क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन लेकर आए, एज वेल एज अडॉप्टेशन गोल्स भी लेकर आए, नहीं तो फिर केसेस बढ़ेंगी बढ़ेंगी, ठीक है। और ये डाटा जो प्रोवाइड करी गई इस रिपोर्ट के अनुसार, इन 2017 884 केसेस ये 24 कंट्रीज में लाए गए थे, जबकि 2020 की बात करें तो केसेस बढ़कर आपका 1550 हो गया था,
जो 38 कंट्रीज में फाइल करी गई थी एंड यूरोपियन यूनियन कोर्ट्स, ठीक है। तो ये डाटा पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये आप याद रख सकते हो। केसेस नियरली डबल्ड ओवर द लास्ट 3 ईयर्स एंड बेसिकली ये तो लॉजिकली ये आपको पता होगा कि भाई साहब गवर्नमेंट को तो कंपेल किया ही जाएगा मोर एम्बिशियस क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की तरफ आगे बढ़ा जाए, है ना। और ये आपका कंपेरिजन डाटा है, वैसे उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें यूएनईपी की, तो देख लो आपका लीडिंग ग्लोबल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी है, 1972 में स्टेब्लिश किया गया था, और ये ग्लोबल इन्वायरमेंटल एजेंडा सेट करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। और मेजर रिपोर्ट आपको रट लेने हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, तो मेजर रिपोर्ट रट लेने हैं। इमिशन गैप रिपोर्ट तो रटना ही है, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट रटना ही है, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लेनेट ये भी रटना ही है, और अभी जो न्यूज में आया है वो जो अभी हमने डिस्कस किया ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2020, इसे भी रटना ही है। एंड मेजर कंपेन की बात करें तो बीट पॉल्यूशन, UN 75, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विल्ड फॉर लाइफ, हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी केन्या में। नेक्स्ट इज योर सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, न्यूज में क्यों रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि भाई साहब फर्स्ट सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट को एस्टैब्लिश किया जाएगा। तो अगर आप इसकी डिटेल्स की बात करें तो ये सेंटर आपका नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट का हिस्सा होगा, जो आपका चेन्नई में, और ये आपका इंस्टीट्यूशन फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के ही अंतर्गत आता है, और ये स्पेसिफिक रिसर्च नीड्स को एड्रेस करेगा, नॉलेज गैप्स को एड्रेस करेगा, अलोंग विद इट विल हेल्प इन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर कंजर्वेशन रिस्टोरेशन मैनेजमेंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स। एंड की फंक्शंस ऑफ द सेंटर की बात करें तो ये आपका बिल्डिंग पार्टनरशिप एंड नेटवर्क, जिसमें आपका रेलेवेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसी भी शामिल करी जाएंगी, और ये आपका नॉलेज हब के रूप में भी सर्व करेगा, कौन, WCM, एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन भी इनेबल करवाएगा बिटवीन द स्टेट्स, यूटीज, वेटलैंड अथॉरिटीज, वेटलैंड यूजर्स, रिसर्चर, एंड ये असिस्ट करेगा नेशनल एंड स्टेट या यूटी गवर्नमेंट को इन द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो बेसिक बेसिक प्रोविजन है, ठीक है। हम जान लेते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में, ये सेकेंड फर एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही याद रखना है कि जो सेकंड फेब है जिस पर हम वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं, वो बेसिकली वही दिन है जब रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड अडॉप्ट किया गया था 1971 में, ठीक है। एम क्या है, ग्लोबल अवेयरनेस रेज करो, किसके बारे में, रोल प्लेड बाय वेटलैंड फॉर पीपल एंड आवर प्लानट। थीम फॉर 2021 की बात करें, वेटलैंड एंड वाटर, बस इतना ही रट लो काफी है। वेटलैंड इन इंडिया की बात करें तो याद रखना, ये डाटा आपको याद रखने, कहीं ना कहीं यूज जरूर होंगे, तो नियरली 4.6% ऑफ इंडिया लैंड वो वेटलैंड के रूप में डेजिग्नेटेड है, एंड ओवरऑल 26 मिलियन हेक्टेयर ये कवर करता है। एक बात, सबसे ज्यादा वेटलैंड एरिया हमारे किस राज्य में है, ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि ये यूपीएससी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है 2013 के पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट इज योर शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, तो देख लो न्यूज में इसलिए रहा है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने स्टे ऑर्डर इशू कर दिए ऑन इट्स अर्लियर गवर्नमेंट ऑर्डर टू डीनोटिफाई द शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, इसलिए न्यूज में आया। तो बेसिकली अगर बात करें शिवालिक एलिफेंट रिजर्व की, तो ये कुमाऊं और गहरवाल रीजन को कवर करता है, तो ये याद रखना है, और ये प्रीमियर एंड ओनली एलिफेंट रिजर्व उत्तराखंड का, ये तो रट ही लेना है ना। प्रीमियर एंड ओनली एलिफेंट रिजर्व ऑफ उत्तराखंड नोटिफाई करी गई थी 2002 में अंडर द प्रोजेक्ट एलिफेंट एंड कंसोरा बायरकोट एलिफेंट कॉरिडोर, इसी के आसपास लोकेटेड है। कितना एलिफेंट है ये जाना जरूरी नहीं है, बट इट इज वन ऑफ द हाइएस्ट डेंसिटीज ऑफ एलिफेंट फाउंड इन इंडिया। एलिफेंट की बात कर ले तो ये आपका शेड्यूल वन में है, ठीक है, शेड्यूल वन ऑफ विल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। साथ ही साथ जो आपका साइट्स है, साइट्स कन्वेंशन ऑन ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज अपेंडिक्स वन में, ठीक है। और IUCN की बात करें तो इंडेंजर्ड में, ठीक है। अदर प्रोटेक्टेड एरिया जो उत्तराखंड में मिल जाते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ पर हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर मिलते हैं, ठीक है। हाइएस्ट डेंसिटी, हाइएस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर कहाँ मिलता है, ये भी याद रखना होगा आपको, और कमेंट सेक्शन में बताओ कहाँ मिलते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क एंड नंदा देवी नेशनल पार्क, ये दोनों मिला के आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाता है, तो यहीं पर है। गोविंद पशु बिहार नेशनल पार्क सेंचुरी मिल जाएंगे आपको, गंगोत्री नेशनल पार्क आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि गंगोत्री आपका वहीं से निकलती है, नांदूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज योर फिशिंग कैट, तो आप देख लो न्यूज में जो भी रही होगी, लेकिन फिशिंग कैट के बेसिक के बारे में आपको जानना होगा, ठीक है। साइंटिफिक नेम याद रखने की जरूरत नहीं है, ट्विच द साइज ऑफ हाउस कैट रट लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अब आ रहे हैं। फिशिंग कैट आपका नॉकटर्नल है, ठीक है, और ये प्रे करती है फ्रॉग्स, क्रस्टेशियंस, स्नेक, बर्ड्स, स्कैवेंजर्स ऑन द कार्केसेस ऑफ लार्जर एनिमल्स एज वेल, और ये ऑल ईयर राउंड ब्रीड करती है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऑल ईयर राउंड ब्रीड करती है। एंड दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स इन द एरियाज ऑफ डेंस वेजिटेशन विच इज नियर टू द वाटर बॉडीज, एंड एक्सेलेंट स्विमर्स भी है ये। हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट या डिस्ट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है, और ये आपका साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में अच्छे तरीके से मिल जाता है, कंबोडिया में इमेज ऑफ फिशिंग कैट्स ये मिले हैं ऑन द वॉल्स ऑफ एंशियंट स्ट्रक्चर्स, और उसे क्लार्क ट्री कहा जाता है, दैट इज टाइगर फिश। एंड वैसे इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इंडिया में कहाँ मिलते हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो पहले ऐसे तो बेसिक याद रखना, साउथ ईस्ट एशिया में मिलते हैं, और आपका वर्ल्ड ओवर की बात करें इंडिया में तो मिलते ही मिलते हैं, और
साउथ एशिया में मिलते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो अच्छा खासा है, ओवरऑल अंदाजा ले सकते हो, ठीक है। इंडिया की बात करें तो फुटहिल्स ऑफ हिमालय, जलोंग, द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वैलीज एंड वेस्टर्न घाट में भी, यही याद रखना, वेस्टर्न घाट में मिलते हैं। एंड जो ईस्टर्न घाट है वहां पर भी मिलते हैं, बट पैची डिस्ट्रीब्यूशन है। सुंदरबंस में मिल जाएंगे आपको, बांग्लादेश में मिल जाएंगे, चिलिका लगून सराउंडिंग द वेटलैंड्स इन ओडिशा, कोडिंगा एंड कृष्णा मैंग्रोव्स इन आंध्र प्रदेश, देख सकते हो आपका पेनिनसुलर इंडिया में तो अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन है। और आपका जो वेस्टर्न घाट है वहां तो मिल ही रहा है, ईस्टर्न घाट में भी आपको मिल रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा रिवर के वैली के अलोंग भी मिल रहा है फुटहिल्स ऑफ द हिमालय। तो क्या कह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन आपका ओवरऑल रीजन में स्प्रेडेड है। अगर हम बात करें कंजर्वेशन स्टेटस की, तो आपका वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है, शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। क्या खतरा है इन्हें, वेटलैंड डिग्रेडेशन हो रही है, कंजर्वेशन फॉर एक्वा कल्चर, कन्वर्सेशन नहीं कन्वर्जन ऑफ एक्वा कल्चर एंड अदर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, है ना। तो आप समझ सकते हो इसके कारण हो क्या रहा है, इसका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। सैंड माइनिंग अलोंग द रिवर बैंक, ये भी खतरा है इनके लिए। एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन, उसके कारण क्या हो रहा है, आपका जो रिवरीन बफर है वो कम हो रहे हैं, है ना। एंड कॉन्फ्लिक्ट विद ह्यूमंस इन सर्टेन एरियाज रिजल्टिंग इन टारगेटेड हंटिंग एंड रिटेलियटरी किलिंग। कंजर्वेशन इनिशिएटिव क्या लिया गया, वी हैव द स्टेट एनिमल किसका, वेस्ट बंगाल का, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल ने 2012 में ऑफिशियली डिक्लेयर किया था फिशिंग कैट को स्टेट एनिमल के रूप में, और वी हैव द फिशिंग कैट कंजर्वेशन एलायंस, और ये बेसिकली टीम है कंजर्वेशनिस्ट का, रिसर्चर्स का, वर्क किंग टू अचीव ए वर्ल्ड विथ फंक्शनिंग फ्लड प्लेन्स एंड कोस्टल इकोसिस्टम। और ये क्या इंश्योर करेगा कि भाई साहब फिशिंग कैट जो है आपका सर्वाइवल कर सके, एंड ऑल स्पीसीज विथ विच इट शेयर्स ए होम। एंड देख सकते हो हाल ही में फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस ने इनिशिएट किया है स्टडी को, किस स्टडी को, स्टडी ऑफ बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिशिंग कैट इन द अनप्रोटेक्टेड एंड ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप, जो नॉर्थ ईस्टर्न घाट्स एंड जो नॉर्थ ईस्टर्न घाट्स ऑफ आंध्र प्रदेश में है वहां पर, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया बेसिक्स, लेट्स मूव टू द इथेनॉल एज एन अल्टरनेट फ्यूल। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इन्फॉर्म किया है किसे, लोकसभा को, अबाउट द इनिशिएटिव जो लिए गए टू प्रमोट इथेनॉल एज एन अल्टरनेट फ्यूल। तो इथेनॉल काफी ज्यादा चर्चा में, इसे जानना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये याद रखना है, इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल कहते हैं, ये लिक्विड है और इसमें सेवरल यूजेज होते हैं, लेकिन 95% प्योरिटी होगी, और उस 95% प्योरिटी पर इसे रेक्टिफाइड स्प्रिट कहा जाता है, और इंटॉक्सिकेटिंग इंग्रेडिएंट्स के रूप में इन द अल्कोहलिक बेवरेजेस वो यूज किए जाते हैं। और जब ये 99+ प्योरिटी हो तो इथेनॉल को ब्लेंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे लेकिन इसमें प्योरिटी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और इथेनॉल कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस हो सकते हैं, है ना। तो आप देख सकते हो जो हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स है जैसे सुगर केन, मेज, वीट, है ना, हैविंग द हाईएस्ट स्टार्च कंटेंट, तो वहां पर आपका इथेनॉल प्रोड्यूस किया जा सकता है। इंडिया में इथेनॉल मेनली प्रोड्यूस की जाती है सुगर केन मोलेसेस से, ठीक है, कैसे, फर्मेंटेशन प्रोसेस से, ठीक है। इथेनॉल एज ए फ्यूल की बात करें तो ये आपका याद रखना है, इथेनॉल एज ए फ्यूल आपका रिन्यूएबल फ्यूल कहलाएगा, क्यों, बिकॉज ये आपका प्लांट्स से प्रोड्यूस होते हैं जो हार्नेस करता है पावर ऑफ द सन, ठीक है, ये याद रखना, कंफ्यूजन मत होना देना, इट इज अ रिन्यूएबल फ्यूल, इट इज नॉट अ नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। और रिन्यूएबल इस सेंस में क्योंकि ये आपका प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं, प्लांट अपना जो एनर्जी है वो हार्नेस करता है पावर ऑफ द सन से, है ना। और इथेनॉल मॉलिक्यूल में आपको ऑक्सीजन मिलते हैं, एंड इट अलाउज द इंजन कि वो कम्बस्ट करे फ्यूल इफिशियंटली को, एंड रिजल्टिंग इन द लोअर इमिशन। तो एक दूसरा बेनिफिट ये भी है कि आपका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को भी कम करेगा, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूल इफिशियंटली कम्बस्ट करवा सकता है और लोअर इमिशन होगा, है ना। और जो इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल है ये आपका फ्यूल सिस्टम को क्लीन रखता है फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, एंड इट इज बिकॉज इट डज नॉट लीव द गमी डिपॉजिट, एंड इथेनॉल हेल्प्स प्रिवेंट विंटर टाइम प्रॉब्लम्स, क्यों, बिकॉज ये आपका एक्ट करता है जो गैस लाइन एंटी फ्रीज, ठीक है। तो ये याद रख सकते हो, इथेनॉल हेल्प्स प्रिवेंटिंग विंटर टाइम प्रॉब्लम्स बाय एक्टिंग एज गैस लाइन एंटी फ्रीज। अब बात करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेप लिए गए हैं इन दिस रिगार्ड। तो देख लो, गवर्नमेंट ने अलाउ करा है प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम सुगर केन एंड फूड ग्रेन बेस्ड रॉ मटेरियल, तो ये तो अलाउ है ही है। और गवर्नमेंट ने फिक्स किया है द एक्स मिल प्राइस ऑफ इथेनॉल, है ना, फ्रॉम सुगर केन बेस्ड रॉ मटेरियल्स। एंड इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम की बात करें तो 2003 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा। एम एंड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल को हासिल करना है विद पेट्रोल, एंड टू रिड्यूस पॉल्यूशन, कंजर्व द फॉरेन एक्सचेंज, ऐसी बात है, जब हमारे देश में प्रोडक्शन होने लगेगा तो हम इम्पोर्ट कम कर देंगे, तो इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज में भी बचत होगा, एंड फार्मर्स के लिए भी बेनिफिट होगा क्योंकि उनकी लाइवलीवुड इनकम बढ़ सकती है इथेनॉल प्रोड्यूस करवा के, यानी कि शुगर कोन, शुगर के रॉ मटेरियल यूज होता था, आराम से शुगर केन को ये प्रोड्यूस करवा सकते हैं, एडिशनल इनकम हो सकता है, एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेज द वैल्यू एडिशन इन द शुगर इंडस्ट्री। इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो जो गवर्नमेंट है वो इंप्लीमेंट कर रही है इस प्रोग्राम को वाया वाल मार्केटिंग कंपनी, एंड गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स को भी फॉर सेटिंग अप मोलेसेस एंड ग्रेन बेस्ड न्यू डिस्टिलरीज और एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग डिस्टिलरीज।
तो ये हमने डिस्कस किया नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018, ये रट लेना है, ठीक है, ये रट लेना है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018। ये साफ साफ बोलता है कि भाई साहब हमें इथेनॉल ब्लेंडिंग 20% का करना होगा इन पेट्रोल बाय 2030। सिंपल सा मतलब है, 100% में आपका 20% इथेनॉल की मात्रा डाली जाएगी, इसी को कहते हैं E20, यानी कि इथेनॉल ब्लेंडिंग 20%, ठीक है, बाय 2030। ये डेट याद रखें, ये टारगेट ही रट लो। एंड वी हैव द ब्रोकेशिया नाना, तो देख सकते हो न्यूज में क्या रहा है, क्यों रहा है, तो देख लो, चैमलियोन डिस्कवर करा गया है इन द आइलैंड कंट्री ऑफ मदगास्कर बाय साइंटिस्ट फ्रॉम जर्मनी एंड मदगास्कर, और ये हो सकता है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एडल्ट रेप्टाइल होगा, है ना, और ये डिस्कवरी रिपोर्ट करी गई है इन द जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट। तो अगर हम बात करें ब्रुकेशिया नाना, तो ये आपका वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एडल्ट रेप्टाइल है, बस इसके आगे मत जाओ, है ना, ये अभी न्यूज में, इससे आगे नहीं जानना कितना छोटा है बड़ा है कुछ भी नहीं। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 क्यों न्यूज में रहा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये इनॉग्रेट करेंगे वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 को ऑन 10 फरवरी, फैब तो लौट ही गई है, अब तो एग्जाम भी आ रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 की, तो ये आपका एनुअल फ्लैगशिप रटा लेना, एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है जो ऑर्गेनाइज करी जाती है टेरी के द्वारा, ठीक है, टेरी यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है, और ये समिट ऑर्गेनाइज करी जाएंगी विद द एम ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर वाइड नंबर ऑफ गवर्नमेंट एकेडमिशियंस बिजनेस लीडर्स क्लाइमेट साइंटिस्ट सिविल सोसाइटी एंड यूथ, और किस लिए, टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, और थीम क्या रखा गया है, रीडिफाइनिंग अवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट फॉर ऑल। एंड ये समिट जो होगा इसमें आपका कौन कौन से टॉपिक पर डिस्कशन हो सकता है, वैसा वैरायटी ऑफ टॉपिक है, क्लाइमेट फाइनेंस, सर्कुलर इकोनॉमी, एनर्जी एंड इंडस्ट्री ट्रांजिशन, एडेप्टेशन एंड रिजिलियंस, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, क्लीन ओशियंस एंड एयर पोल्यूशन। की पार्टनर देख लो कौन कौन से है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, भाई साहब ये तो होंगे ही होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, लेकिन उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड ये जो समिट है ऑर्गेनाइज किया गया है इन अकॉर्डेंस विद द अडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड पेरिस एग्रीमेंट। तेरी के बारे में याद रखना होगा, नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, याद रखना है, ये यूनाइटेड नेशन या फिर नीति आयोग इन सब की कोई बॉडी नहीं है, इट इज अ नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एस्टेब्लिश किया गया था 1974 में एज टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो शुरुआती में ये आपका टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से था, बाद में इसको द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट 2030 में रिनेम किया गया। पर्पज क्या, रिसर्च वर्क करेगा कौन सा फील्ड में, एनर्जी एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फील्ड में फॉर इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ, याद रखना है सिर्फ इंडिया के लिए नहीं ग्लोबल साउथ। लोकेशन कहाँ है इसका, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। अदर इनिशिएटिव जो तेरी ने लॉन्च किया है, लाइटिंग ए बिलियन लाइफ, याद रखना लाइटिंग ए बिलियन लाइफ इज एसोसिएटिव विद तेरी, क्या है ये आपका तेरी का इनिशिएटिव है जिसके तहत क्लीन लाइटिंग एक्सेस प्रोवाइड किया जाए टू द बॉटम ऑफ द पिरामिड कम्युनिटी, यानी कि जो आपके पुअर पर्सन है उनको क्लीन लाइटिंग प्रदान किया जाए, है ना, जैसे सोलर लाइट हो गए, सोलर लाइट यानी कि जो आपके सोलर पावर्ड लैंटेन कह सकते हो जो आजकल काफी ज्यादा प्रचलित हो रही है। एंड वे द ग्रीन ओलंपिक, और ग्रीन ओलंपियाड की बात करें तो ये आपका तेरी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है इन एसोसिएशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, और ये इंटरनेशनल एनवायरमेंट एग्जामिनेशन जो एनुअली ऑर्गेनाइज की जाती है फॉर मिडिल एंड हाई स्कूल स्टूडेंट्स, ये याद रखना। ओलंपियाड तो आपने सुना होगा, लेकिन ये ग्रीन ओलंपियाड है, और ग्रीन ओलंपियाड की बात करें तो यहाँ पर तेरी कंडक्ट करता है इन एसोसिएशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, और ये आपका इंटरनेशनल, याद रखना नेशनल नहीं इंटरनेशनल एनवायरमेंट एग्जामिनेशन है, एनुअली ऑर्गेनाइज कर दी जाती है फॉर द मिडिल एंड हाई स्कूल स्टूडेंट। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात है ना, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, ग्रीह जिसको कहते हैं, ये तेरी के ही द्वारा कंसीव किया जाया गया है, और ये डेवलप करी गई है विद द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और ये नेशनल रेटिंग सिस्टम है फॉर ग्रीन बिल्डिंग, है ना, कि कोई बिल्डिंग है वो कितना आपका इन्वायरमेंट एसोसिएटेड है उसकी रेटिंग करता है ये आपका ग्रीह, ठीक है, और ये कंसीव करी गई है तेरी के द्वारा। एंड वी हैव द अर्का शुभा वेराइटी ऑफ मैरीगोल्ड, तो बेसिकली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च इन्होंने डेवलप किया है एक न्यू मैरीगोल्ड वैरायटी को नेम्ड अर्का सुबा, बस आपको यही याद रखना है कि जो आपका अर्का सुबा है पहली बात तो ये इट इज अ वैरायटी ऑफ मैरीगोल्ड और मोस्टली हर्बेशियस प्लांट्स जो बिलोंग करती है सनफ्लावर फैमिली एस्ट्रेसे के, ठीक है, बाकी जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एंड जानने की जरूरत नहीं है, है ना, बस इतना याद रखना कि हाँ वो वैरायटी है, ठीक है। अगर हम बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च की, तो ये आपका ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंतर्गत आती है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, याद रखना डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के तहत नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंतर्गत आती है, ठीक है, एंड वो किसमें आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में, और ये मेन रिसर्च स्टेशन है जो आपका बेंगलुरु में लोकेटेड है, रीजनल एक्सपेरिमेंटल स्टेशन भी है इनके, भुवनेश्वर जो कि ओडिशा में, एंड चेताली इन कर्नाटक, एंड टू कृषि विज्ञान केंद्र। एंड जो इंस्टीट्यूट का मेन रिसर्च एजेंडा है क्या है आपका, याद रखना है आपको एजेंडा को, इंक्रीज द यील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप वैरायटीज बाय डेवलपिंग हाई यील्ड वैरायटी सीड्स इन फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऑर्नामेंटल्स एंड मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट विज योर पोंग डैम विल लाइव सेंचुरी, क्यू न्यूज में, तो 1 लाख माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स
पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पहुंच गई हैं, ये आपका हिमाचल प्रदेश में, इसलिए न्यूज़ में। तो पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसको याद रखना है। और इसको पोंग डैम रिजर्वेयर या फिर पोंग डैम लेक भी कहते हैं। और ये जो डैम है 1975 में क्रिएट करी गई थी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका 1983 में डिक्लेयर हुआ था, और ये रामसर साइट भी है, ठीक है। वेजिटेशन की बात करें तो आपका ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिल जाते हैं, एंड इट इज अ शेल्टर ऑफ ग्रेट नंबर ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, और वो क्या है वो भी हम देखेंगे। लेकिन रिवर की बात करें तो यहाँ पर आपको रट लेने ब्यास रिवर के द्वारा फीड कराया जाता है, और न्यूमरस पेरिनियल ट्रिब्यूटरीज है इसके, है ना। तो ब्यास के देख सकते हो, गज, न्योगल, बिनवा, उहल, बैन गंगा, बैन है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रिब्यूटरी याद रखना, ब्यास याद रखना है आपको, इससे पास होता है, ठीक है। फौना की बात करें तो देख सकते हैं, होस्ट अराउंड 220 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, जो आपका 54 फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंड माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं ऑल ओवर द हिंदू कुश, हिमालयाज एंड साइबेरिया से भी यहाँ पहुंचते हैं। तो ये सब तो पहुंचते ही है भाई साहब, लेकिन हमें जानना क्या है, फ्लेक्सिबल स्पीसीज जो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, बार हीटेड गिज याद रखना है, बार हीटेड गिज मिलेंगे। अदर स्पीसीज जहाँ पर हाई पॉपुलेशन मिलते हैं, यहाँ पर यूरेशियन कूट, नदन पिंक टेल, कॉमन टील, ग्रेट कॉमरेंट एंड ग्रे लेग गूज, ये सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एंड कंसर्न की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन जो बर्ड्स का है, एज वेल एज नंबर ऑफ स्पीसीज काउंटेड दिस ईयर, ये आपका लेस रहा है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। कारण क्या बताया गया, ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा, जो हाल फिलहाल में न्यूज में भी रही थी। नेक्स्ट इज योर फिश पास, तो न्यूज में क्या रहा है, तो फिश पासेस फॉर हिल्सा कंस्ट्रक्ट करी गई है बाय द गवर्नमेंट इन 2019, और इसको रीडिजाइन किया जाएगा, है ना, एट द फरक्का बैरेज हैज प्रूव्ड फ्रूटफुल नाउ। तो जो डिजाइन की गई थी, रीडिजाइन करी गई थी एट द फरक्का बैरेज, इसमें कुछ सफलता प्राप्त लगी है। तो ये जो आपका फिश पास प्रोजेक्ट है, इसने हिल्सा अप स्ट्रीम के मूवमेंट को फैसिलिटेट किया। हिल्सा बेसिकली फिश वेराइटी, ठीक है, अलोंग द गंगा टू द स्प्रोइंग ग्राउंड। और आप देख सकते हो 1970 जो हिल्सा फीस होती थी, ये स्विम करते थे गंगा अप स्ट्रीम से लेकर अलाहाबाद तक, लेकिन जो फरक्का बैरेज है जो ऑपरेशनल हुआ था गंगा रिवर के ऊपर 1975 में, ये डिसरप्ट कर दिया था वेस्ट वर्ड मूवमेंट ऑफ हिल्सा को, ठीक है, तो उधर नहीं जा सकती थी। तो जो फीस पासिस है, तो फिश पासेस बनाई गई है ना, इससे आपका रिजल्ट भी आया है, ठीक है। तो फिश पासेस की बात करें तो इसको फिश लैडर्स भी कहते हैं, फिश वेज भी कहते हैं, जैसे वाटर वेज होता है उसी प्रकार फिश वेज होता है, ये और कुछ नहीं बल्कि आपका कॉरिडोर है। फिशेस को मदद करी जाती है इन क्रॉसिंग द ऑब्स्टेकल्स प्रेजेंटेड बाय द डैम्स एंड बैरेजेस, ठीक है। तो इनका हैबिटेट कनेक्ट हो जाएगा, अल्टीमेटली फिर ये ग्रो करेंगे, एंड इसमें आपका स्मॉल स्टेप्स दैट अलाउ द फिश टू क्लाइंब ओवर द ऑब्स्टेकल्स, ये सब कुछ होती है, लेकिन यह सब ठीक बात है, लेकिन हमें थोड़ा सा हिल्सा फिश के बेसिक के बारे में जान ले। तो साइंटिफिक पैरालेंस द हिल्सा इज एन एंड्रोमस फिश, और ये आपका मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ ओशियन में बिताती है, बट ड्यूरिंग द रेनी सीजन द हिल्सा मूव्स टू द एस्चुरी एंड वेयर द रिवर्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश मीट करते हैं, ठीक है। बस इतना ही है ना हिल्सा के बारे में, बस इतना जानो, फिश वेराइटी है काफी ज्यादा फेमस है, बट हाँ थोड़ा सा बेसिक जानकारी हो तो आप ठीक है। नेक्स्ट इज योर करलापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो करलापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में क्यों रही है, बिकॉज ओडिशा ने 6 एलिफेंट को लॉस कर दिया है, खो दिया है 2 ही सप्ते के भीतर भीतर, फॉलोइंग द डेथ ऑफ वन मोर जुम्बो इन द करलापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसलिए यह करलापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में रहा है। ये आपका कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा में, पहली बात तो यही याद रखना ओडिशा में। फौना की बात करें तो लेपोर्ड, गौर, सांबर, नीलगाय, बाकिंग डियर, माउस डियर, सॉफ्ट क्लाउज और टाबा, ये सब मिल जाते हैं, ठीक है। और ये जो सेंचुरी है फर्स्ट नोटिफाई करा गया था 1969 में बाय द कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, एंड फॉर्मली नोटिफाई करी गई फॉर्मली, है ना, अंडर द विल लाइफ एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, ठीक है। तो फॉर्मली इसको यानी कि लीगल बेसिस पर अंडर द विल लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपका 1992 में नोटिफाई किया गया था, लेकिन ये डेट सब इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिकली, ठीक है। फ्लोरा की बात करें तो क्या जाते हैं, इट लाइज विद इन ईस्टर्न हाईलैंड मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट इकोरीजन, तो मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट इकोरीजन मिल जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर फॉरेस्ट जो मिलते हैं जैसे साल ट्रीज, बिजा, अशान, हरिदा, आमला, बहदा एंड बैम्बू, ये सब मिल जाते हैं ना, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी मिलते हैं। वाटरफॉल की बात करें तो सेमरल एंड सेवरल स्मॉल एंड बिग वाटरफॉल मिलते हैं इन साइड द सेंचुरी, जैसे आपका फुरली झरन, घुसड़ी गुड़ी, दुमनी झोला, वैसे तो ऐसे ऐसे नाम आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ याद रख सकते हो, इलिमिनेट करें अगर आ गया तो आ गया, जैसे राजा रानी हो गया, है ना, फुरली, हर्षण, कुछ ऐसा ही नाम है अटपटा सा। नेक्स्ट इज योर मंदरीन डक, तो न्यूज में क्यों रहा है, तो ये जो आपका मंदरीन डक है, ये आपका मगुरी मोटा पंख बिल में फ्लोट कर रही है, और मगुरी मोटा पंख बिल आपको पता है असम में, असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में फ्लोट करती हुई देखी है फॉर ओवर ए वीक, और ये आपका रेयर मंदरीन डक है, ठीक है, तो इसी के लिए न्यूज में है। और अगर हम बेसिक डिटेल्स की बात करें मंडोरियन डक की, तो इसको मोस्ट ब्यूटीफुल डक माना जाता है इन द वर्ल्ड, एंड फर्स्ट आइडेंटिफाई करी गई थी स्वदेश बॉटनिस्ट को द्वारा, फिजिशियन एंड जूलॉजी दैट इज योर कार्ल लिनियस
1758 में। तो कब डिस्कवर करी गई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें याद रखना है स्मॉल एग्जोटिक लुकिंग बर्ड जो कि ईस्ट एशिया में मिल जाते हैं, ठीक है। और माइग्रेटरी डक कहाँ का ब्रीड करते हैं, रशिया, कोरिया, जापान, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना, ठीक है। एंड इट हैज नाउ एस्टेब्लिश पॉपुलेशन इन वेस्टर्न यूरोप एज वेल अमेरिका टू। एंड देख सकते हो ये जो डक है, हाउएवर रेयरली विजिट इंडिया, इंडिया में काफी रेयरली आते हैं, तो ये याद रखें, ऐसा नहीं कि भर भर के आते हैं, रेयरली आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन निकल सकते हैं। एज इट डज नॉट फॉल इन इट्स यूजुअल माइग्रेटरी रूट, तो जो इनका माइग्रेटरी रूट है इसमें इंडिया नहीं आता, इसलिए रेयरली कभी मन किया तो पहुंच गए। एशियन स्टेट है लिस्ट कंसर्न है, तो हमें उतना फोकस करने की जरूरत नहीं। अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट वीवीआई, मगूरी मोटा पंख बिल, ये आपका इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, डिक्लेयर करा जाता है, याद रखना है इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया याद रखना है बाय द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। एंड ये जो वेटलैंड है ये आपका क्लोज टू डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क जो कि असम में ही है, एंड ये आपका ग्रासलैंड भी है इसके आसपास में, और इंटायर इकोसिस्टम दैट इज द ग्रासलैंड प्लस वेटलैंड, ये नंबर ऑफ एंडेमिक बर्ड स्पीसीज का घर है, और ये रटलैंड है आपको एंडेमिक बर्ड स्पीसीज के नाम जो यहाँ मिलते हैं आपके, ठीक है, मगोरी मोटा पंख वाले रीजन में, ब्लैक ब्रिस्टेड पैरट बिल एंड मार्स बैबलर। नेक्स्ट इज योर जियंट लेदर बैक टर्टल। तो रिसेंटली जो प्रपोजल है फॉर टूरिज्म एंड पोर्ट डेवलपमेंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, कहीं ना कहीं कंजर्वेशनिस्ट को चिंतित में डाल दिया है ओवर द फेट ऑफ द नेस्टिंग पॉपुलेशन ऑफ द जियंट लेदर बैक टर्टल। कहा जा रहा है कि जियंट लेदर बैक टर्टल पर कुछ असर आ सकते हैं, देखते हैं क्या। तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जियंट लेदर बैक टर्टल के बारे में जानना है, तो जाहिर सी बात है जियंट है तो ये आपका स्मॉलेस्ट होगा नहीं, लार्जेस्ट ही होगा। तो लार्जेस्ट ऑफ द सेवन स्पीसीज ऑफ द सी टर्टल्स ऑन द प्लेनेट, ठीक है, तो टोटल सेवन स्पीसीज ऑफ सी टर्टल मिलते हैं, उसमें से लार्जेस्ट आपका ये जियंट वाला है, ठीक है। जियंट लेदर बैक टर्टल इनके सेल के नाम से डाला जाता है, ठीक है, और ये लेदर लाइक सेल होते हैं रेदर देन हार्ड लाइक अदर टर्टल, और ये आपको मोस्टली लॉन्ग रेंजिंग टर्टल है जो आपको ऑल द ओशियंस, ये टर्टल इन ऑल द ओशियन एक्सेप्ट आर्कटिक एंड अंटार्कटिक, इतने ठंड वाले रीजन में जनरली नहीं मिलते, ठीक है। और दे नेस्ट ओनली इन इंडोनेशिया, श्रीलंका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड विद इन द इंडियन ओशन, याद रखना जब नेस्टिंग की बात आती है मिल तो जाएंगे आपको ऑल द ओशियन एक्सेप्ट द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक, लेकिन नेस्टिंग की जब बात आती है तो इंडोनेशिया, श्रीलंका, अंडमान एंड निकोबार ओनली विद इन द इंडियन ओशन, ठीक है। एंड कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो वल्नरेबल है इंडियाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल वन में, एंड बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है, यूनिकनेस याद रख सकते हैं ना। तो अनलाइक देयर रेप्टाइलियन रिलेटिव्स जो लेदर बैक्स होते हैं वो वार्म बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं कोल्ड वाटर में, दैट्स व्हाई कोल्ड वाटर में भी जनरली मिल जाती है, कैसे, बाय यूजिंग ए यूनिक सेट ऑफ एडेप्टेशन जो अलाउ करते हैं उनको कि वो जनरेट भी कर सके और बॉडी हीट को रिटेन ही कर सके, और बॉडी हीट को रिटेन कर पाते हैं तो इसका मतलब कोल्ड रीजन में भी सर्वाइव कर जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव द नेशनल मैराइन टर्टल एक्शन प्लान। तो ये जो प्लान है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा रिलीज करी गई है, इस प्लान में कहा जाता है कि जो इंडिया है इन्होंने आइडेंटिफाई किया है ऑल इट्स इंपॉर्टेंट सी टर्टल नेस्टिंग हैबिटेशंस एज इंपॉर्टेंट कोस्टल एंड मेराइन बायोडाइवर्सिटी एरियाज, याद रखना है इस प्लान में साफ साफ कहा गया है कि इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है ऑल इट्स इंपॉर्टेंट सी नेस्टिंग टर्टल हैबिटेट्स एज इंपॉर्टेंट कोस्टल मेराइन बायोडाइवर्सिटी एरिया, और उनको CRZ 1 में डाला गया है, ठीक है। बाकी ओवरऑल सिमिलर है, उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट न्यूज, क्या है, तो ग्रुप ऑफ पैलियंटोलॉजिस्ट इन्होंने डिस्कवर किया फॉसिल्स ऑफ कोलिकैंथ जो कि आपका जियंट फिश का एग्जाम्पल है, और ये लिविंग फॉसिल कहा भी जाता है इसको, और बाकी इससे रिलेटेड न्यूज हमें जानना क्या है, व्हाट इज दिस, नाम से थोड़ा सा वन वर्ड एसोसिएशन इससे निकल सकते तो निकलेंगे कि जो आपका कोई लेकंथ है, नाम वैसे प्रोनाउंस कर लो कोई लेकंथ, ये एल्यूशिप डीप सी क्रिएचर्स है जो अप टू 2300 फीट बिलो द सरफेस रहते हैं, ठीक है। और कहा गया था कि ये एक्सटिंक्ट हो गया है विद द डायनासोर्स अप्रोक्स 65 मिलियन ईयर्स एगो, लेकिन 1938 में इसकी फिर से डिस्कवरी हुई और इसने फिर से डिबेट छेड़ दिया कि हाउ दिस लॉ ऑफ फिन फिश फिट इन टू द एवोल्यूशन ऑफ लैंड एनिमल। तो इसके अभी फिलहाल दो नॉन स्पीसीज मिलते हैं, वन दैट लिव्स नियर द कॉमरोज आइलैंड ऑफ ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, और जो दूसरा आपका वाटर्स ऑफ सुलावेसी दैट इज इंडोनेशिया, है ना। तो सुलावेसी आइलैंड आपने सुना होगा, है ना, ऑफ द इंडोनेशिया कोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, और दूसरा है कॉमरोस आइलैंड ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, मैप में देखोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, लेकिन इतने डिटेल में जानना नहीं है, बेसिक आपको यही पता होना चाहिए कि हाँ क्या है जी आपका, ठीक है। तो एलुसिव डीप सी क्रिएचर्स लिविंग इन डेप्थ
वन वर्ड एसोसिएशन बनते हैं, हाँ इसके बारे में जानना जरूरी है, लिविंग फॉसिल्स के बारे में, क्योंकि टर्म से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लिविंग फॉसिल आपका एक ऑर्गेनिज्म ही होता है दैट रिमेन्ड अनचेंज्ड फ्रॉम अर्लियर जियोलॉजिकल टाइम, यानी पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक में अगर उस ऑर्गेनिज्म में कोई बदलाव नहीं आया है तो वो आपका लिविंग फॉसिल कहला जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे हम पता लगा सकते हैं ना कि हाँ पहले के समय में पता लगाया जा सकता है इनके बारे में, और उस समय के एनवायरनमेंट के बारे में पता लगाया जा सकता है। दैट्स व्हाई ये लिविंग फॉसिल्स कहते हैं, ठीक है? तो अच्छे से याद रखना, लिविंग फॉसिल इज एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज रिमेन अनचेंज फ्रॉम अर्लियर जियोलॉजिक टाइम्स एंड हुज क्लोज रिलेटिव्स आर यूजुअली एक्सटिंक्ट, ठीक है? तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना है, ठीक है? और याद रखना, अदर देन कोएलेसेंट जो आपका हॉर्स, ये जो आपका है हॉर्स शू क्रैब एंड गिंको ट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ लिविंग फॉसिल। तो अगर पूछ लिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिविंग फॉसिल, तो गिंको ट्रीज एंड दिस जो अभी हमने डिस्कस किया एंड हॉर्स शू क्रैब, ठीक है? और बस इसके बारे में उतना ही नहीं, प्रोटेक्शन एस्टेसिस जान लो आप, ये आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और अपेंडिक्स साइट्स वन में, ठीक है? तो इतना क्लियर हो, लिविंग फॉसिल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए टर्म खास करके, क्योंकि यहाँ से पूछा जा सकता है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो एशिया इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड, तो देख लो न्यूज में क्यों रहा है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, इन्होंने रिसीव किया है, इनको मिला है बेसिकली एशिया इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड 2020, जो अवार्ड किनके द्वारा की जाती है, बाय द यूनाइटेड नेशन एन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो अगर हम बात करें, एशिया इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड पब्लिकली रिकोगनाइज करता है एंड सेलिब्रेट करता है एक्सीलेंस इन द इन्फोर्समेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड इंस्टीट्यूशन जो कम्बेट करती है ट्रांसबाउंड्री इन्वायरमेंटल क्राइम को एशिया में, दैट्स व्हाई नाम भी है। एंड WCCB की बात करें तो इसको 2 बार 3 सालों मिल चुका है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि पहली बार धरती पर इन्हें मिला है, ऑलरेडी इनको 2 बार मिल चुका है इन द 3 ईयर्स। एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को इस साल भी अवार्ड मिला है अंडर द इनोवेशन कैटेगरी, है ना? तो इसके अंदर वेरियस कैटेगरी होते थे, इस बार इनको इनोवेशन कैटेगरी में मिला है। अर्लियर द ब्यूरो हैज रिसीव द अवार्ड इन 2018 अंडर द सेम कैटेगरी। तो इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बेसिकली आपको वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के बारे में पता होना चाहिए और इस अवार्ड के बेसिक के बारे में कौन कन्फर्म करता है, बाय द UNEP, ठीक है? और ये जरूरी याद रखना है कि हाँ WCCB को दिया गया है और ये आपका 3 सालों में 2 बार, ठीक है? ऐसा नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि इसको पहली बार धरती पर मिला, ठीक है? अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की, तो ये आपका स्टेटूटरी मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है। स्टेटूटरी याद रखना है किसके अंतर्गत ये क्रिएट हुआ है, स्टेटूटरी है तो ये आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये क्रिएट हुआ है, ठीक है? स्टेटूटरी बॉडी है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत क्रिएट हुआ है, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो देख लो कम्बैटिंग द ऑर्गेनाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम इन द कंट्री हेडक्वार्टर देख लो न्यू दिल्ली में, ठीक है? एंड फंक्शंस की बात करें तो सेक्शन 38Z ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें जो फंक्शन दिया गया है देख लो, फंक्शन याद रखना होगा आपको, ठीक है? इंटेलिजेंस कलेक्ट करना रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम एक्टिविटी एंड सर्कुलेट करो इन इन्फॉर्मेशन को टू द स्टेट्स एंड अदर इन्फोर्समेंट एजेंसीज, ठीक है? एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस्टेब्लिश ए सेंट्रलाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम डाटा बैंक। तो आप याद रख सकते हो कि क्राइम रिलेटेड डाटा बैंक को इस्टेब्लिश कर सकता है, ठीक है? एज वेल एज कोऑर्डिनेट करते हैं विद द फॉरेन अथॉरिटीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू फैसिलिटेट द यूनिवर्सल एक्शन ऑन वाइल्ड लाइफ क्राइम। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ क्राइम इन्फोर्समेंट एजेंसी ये करते हैं, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी असिस्ट करते हैं टू इंश्योर की जो आपका प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड वाइल्ड लाइफ क्राइम वो आपका एग्जीक्यूट किया जाए, इंश्योर किया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी एडवाइज करते हैं ऑन इश्यूज रिलेटिंग टू द वाइल्ड लाइफ क्राइम्स हैविंग द नेशनल एंड इंटरनेशनल रैम्पिफिकेशंस, है ना? साथ ही साथ ये असिस्ट एंड एडवाइस करती है कस्टम्स अथॉरिटीज को भी, ये भी याद रखना, कस्टम्स अथॉरिटीज को भी एडवाइस करती है, असिस्ट करती है इन इंस्पेक्शन ऑफ द कंसाइनमेंट ऑफ फ्लोरा एंड फौना एज पर द प्रोविजन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है? या फिर साइट्स या फिर एक्सिम पॉलिसी गवर्निंग सेक्शन आइटम। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की, तो ये आपका लीडिंग ग्लोबल एनवायरमेंटल अथॉरिटी है, ठीक है? और इसे स्टेब्लिश किया गया था 5 जून 1972 की। फंक्शंस की बात करें तो ये ग्लोबल एनवायरमेंटल एजेंडा को सेट करता है, प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम, और ये अथॉरिटेटिव एडवोकेट के रूप में सर्व करता है फॉर ग्लोबल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। एंड मेजर रिपोर्ट तो हमने अभी डिस्कस भी किया, इमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट, फ्रंटियर्स इन्वेस्ट इन टू हेल्थी प्लानेट, मेजर कैंपेन जो चलते हैं बीट पॉल्यूशन, UN 75, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड फॉर लाइफ, एंड हेडक्वार्टर हमने डिस्कस भी किया नैरोबी केन्या में। हैदराबाद की बात करें, हैदराबाद द ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, है ना? तो न्यूज में इसलिए रहा है बिकॉज एयरबोल डे फाउंडेशन एंड यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज FAO, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है हैदराबाद को एज 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर हम बात करें सिटीज ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम की, काफी इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना, सिटीज ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम की, तो ये आपका इंटरनेशनल प्रोग्राम है और इसमें सिटीज को रिकॉग्नाइज की जाती है, टाउन्स को रिकॉग्नाइज की जाती है फॉर प्रॉपरली एंड सस्टेनेबली मेंटेनिंग देयर अर्बन फॉरेस्ट एंड ट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से शामिल है इसमें, तो ये प्रोग्राम है पार्टनरशिप बिटवीन एयरबोल डे फाउंडेशन एंड FAO, याद रखना है, ठीक है? UN का FAO एंड आर्बोर डे फाउंडेशन। 5 स्टैंडर्ड्स लिए जाते हैं इसके एवोल्यूशन के लिए, तभी इनको मिला जाता है ये आपका
जो रैंक मिला है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? फाइव स्टैंडर्ड, इस्टेब्लिश रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेट द रूल्स, नो व्हाट यू हैव, एलोकेट द रिसोर्सेज एंड सेलिब्रेट द अचीवमेंट, ऐसे पैरामीटर्स नहीं पूछे जाएंगे। व्हाई वाज हैदराबाद सेलेक्टेड एज ए ट्री सिटी? तो देख लो, हैदराबाद को सेलेक्ट किया गया है एज ए ट्री सिटी बिकॉज जो इनिशिएटिव लिए गए हैदराबाद में, जैसे हरित हरम प्रोग्राम एंड अर्बन फॉरेस्ट पार्क प्रोग्राम, तो ये सब कहीं ना कहीं मोटिवेट किए हैं, है ना, टू गेट लिस्टेड इन टू दैट। एंड हरित हरम की बात करें तो ये आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम है ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फॉर लार्ज स्केल प्लांटेशन अक्रॉस द स्टेट, सो दैट ग्रीन कवर को बढ़ाया जाए। सिग्निफिकेंस की बात करें तो हैदराबाद ओनली सिटी फ्रॉम इंडिया जिसको ये रिकॉग्निशन मिली है एज ए ट्री सिटी, एंड इस रिकॉग्निशन के बाद हैदराबाद 120 अदर सिटीज में से एक हो गया है ना, फ्रॉम 23 कंट्रीज, जिसमें आपका यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। और अगर हम बात करें एयरबोर्ड डे फाउंडेशन की, तो ये आपका नॉन प्रॉफिट कंजर्वेशन एंड एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, 1972 में बना था यूनाइटेड स्टेट्स में, बाय द जॉन रॉस नो, और ये लार्जेस्ट नॉन प्रॉफिट मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है जो डेडिकेटेड है ट्री प्लांटिंग के क्षेत्र में। विजन क्या? हेल्प अदर्स अंडरस्टैंड एंड यूज द ट्रीज एज ए सॉल्यूशन टू मेनी ग्लोबल इश्यूज वी फेस टुडे। एंड वी हैव द नेक्स्ट वन, दैट इज कार्बन वॉच। तो देख लो न्यूज में क्यों रहा है, बिकॉज चंडीगढ़ बिकम द फर्स्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया टू लॉन्च कार्बन वॉच। कार्बन वॉच की बेसिक की बात करें तो ये आपका और कुछ नहीं बल्कि मोबाइल एप्लीकेशन है जो कार्बन फुटप्रिंट किसी भी इंडिविजुअल को एसेस करता है कि कोई व्यक्ति कितना कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट करता है, ठीक है। और कार्बन फुटप्रिंट इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, खासकर CO2 जो रिलीज करी जाती है एटमोसफेयर में बाय पार्टिकुलर ह्यूमन एक्टिविटी, है ना, जैसे हम कोई है ना, हम कोई कार्य कर रहे हैं जिससे हमने 1 टन ऑफ CO2 रिलीज कर दिया, तो ये हमारा कार्बन फुटप्रिंट होगा, है ना। तो ये है आपका सिंपल कार्बन फुटप्रिंट, अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, इसमें स्पेशली CO2 है, रिलीज इन टू द एटमोसफेयर बाय पार्टिकुलर ह्यूमन एक्टिविटी। और देख सकते हैं इट आस्क्स द यूजर टू फीड सर्टेन डाटा इन 4 पार्ट, वाटर में आपका डाटा इंटर करने के लिए बोलेगा, इन्फॉर्म्स अबाउट द कंजम्पशन ऑफ वाटर, उसके बाद एनर्जी में डाटा रिगार्डिंग द मंथली इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कितना कंज्यूम करते हो, सोलर एनर्जी कितना कंज्यूम करते हो, ये सब डाटा फीड करने की बात करती है। फिर वॉस्ट जनरेशन, ट्रांसपोर्ट, इन सब के डाटा फीड करने की बात करते हैं। हाउएवर यू नॉट नीड टू गो इनटू दैट डिटेल, बट आपको कार्बन फुटप्रिंट के बारे में पता होना चाहिए, कार्बन वॉच के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, बेसिक एंड सोल्यूशन बेसिकली। एंड नेक्स्ट वी मूव टू द साइबेरियन ममूथ। तो साइंटिस्ट ने रिकवर किया है, सिक्वेंस किया है ओल्डेस्ट DNA ऑन रिकॉर्ड फ्रॉम द मोलार्स ऑफ ममूथ जो साइबेरिया में रोम करा करती थी अप टू 1.5 मिलियन ईयर्स एगो। तो अभी सर अभी ये याद रखना है आपको, ठीक है। अंटिल नाउ द ओल्डेस्ट DNA जो आपका हॉर्स से आता है दैट लिव्ड इन कैनेडाज यूकॉन टेरिटरी अप्रोक्स 7 लाख ईयर्स एगो, ठीक है। तो अंटिल नाउ ओल्डेस्ट DNA कैम फ्रॉम ए हॉर्स दैट लिव्ड इन कनाडाज यूकॉन टेरिटरी अबाउट 7 लाख ईयर्स एगो, एंड रिसर्चर गेन्स इन्फॉर्मेशन इनटू मैमोथ इवोल्यूशन एंड माइग्रेशन, कैसे, बाय कंपेयरिंग द DNA टू दैट ऑफ मैमोथ जो लीव करते थे मोर रिसेंटली, जो कि आपका 4000 साल पहले ही आपका मैमोथ आया था, ठीक है। तो ये जो मोलार्स ऑफ द मैमोथ है ये डिस्कवर करी गई नियर द क्रेस्टोवका रिवर, अध्याचा रिवर एंड चिक्योचा रिवर, ठीक है। एंड ये जो आपका क्रेस्टोवा मैमोथ है ये आपका प्रीवियसली अननोन जेनेटिक लीनियज, यानी पता नहीं था, एंड मोर देन 2 ईयर्स एगो से भी पुराना था। एंड जो आपका अध्याचा मैमोथ लीनेज है वो एंसेस्ट्रल है टू द वोली मैमोथ, एंड चुकोचा इंडिविजुअल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन होली मैमोथ स्पेसिमेन, बट यू डोंट नीड टू गेट इन टू डिटेल, बेसिक हमें पता होना चाहिए कि हाँ क्या है ये आपका, ठीक है। तो ये फैक्ट, पहला पॉइंट आपको याद रखने चाहिए कि हाँ हमारा ओल्डेस्ट DNA कहाँ से निकल कर आया, फ्रॉम ए हॉर्स दैट लिव्ड इन दैट रीजन, ठीक है। एंड अगर हम बात करें मैमोथ की, तो मैमोथ आपका स्पीसीज ऑफ एक्सटिंक्ट एलिफेंटिड ऑफ जीनस मैमोथस है, ठीक है। एंड जो मैमोथ है वो इसमें आपका लॉन्ग कर्व्ड टास्क, आप फिगर देख लेना मैमोथ का पता चल जाएगा, है ना, कवरिंग ऑफ लॉन्ग हेयर। एंड ये कब मिलते थे? प्लायोसीन इपॉक से लेकर होलिसीन इपॉक सम 4000 ईयर्स एगो मिलते हैं, ठीक है। एंड स्पीसीज एग्जिस्टेड इन यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ठीक है भाई साहब। एंड DNA क्या है? DNA के बेसिक के बारे में पता होना चाहिए। DNA स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स रहते हैं, रट लेना, 1 नहीं 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। एंड ये जो चेन्स है ये आपका क्वाइल रहते हैं, घूमे रहते हैं अराउंड ईच अदर एंड फॉर्म्स द डबल हेलिक्स, है ना, तो डबल हेलिक्स ये फॉर्म करता है। और ये जो हेलिक्स है ये आपका और कुछ नहीं बल्कि जेनेटिक इंस्ट्रक्शन कैरी करता है जो बाद में आपको ग्रोथ, डेवलपमेंट, फंक्शनिंग में सॉरी मदद करता है, ठीक है, एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड वायरस है। और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग मटेरियल है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट्स व्हाई ये आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करते हैं अपने अकॉर्डिंग, है ना, उनको बाहर से कोई इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट इज योर ब्लैक फुटेड फेरेट, ठीक है। तो देख लो न्यूज में क्यों रहा है, तो हाल ही में साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली क्लोन किया है
फेरेट को, क्लोनिंग का मतलब जोड़ना होता है, ठीक है, जुटना होता है, क्लोनिंग है ना, तो वही वही सक्सेसफुली क्लोन्ड है फेरेट यूजिंग फ्रोजन सेल्स फ्रॉम एन एनिमल दैट डाइड मोर देन 30 ईयर्स एगो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम एनी नेटिव इंडिजिनस स्पीसीज जिसको क्लोन किया गया हो यूएस में, एंड फीमेल फेरेट हैज बीन नेम्ड एलिजाबेथ एन। तो देख लो ये जो आपका ब्लैक फुटेड फेरेट है, साइंटिफिक नेम इसका मुस्तेला निग्रिपिस है, और इसको ब्लैक आइड फेरेट भी कहते हैं बिकॉज डिस्टिंक्टिव ब्लैक पैचेज अराउंड इट्स आईज ये देखने को मिलता है। एंड एनिमल का लॉन्ग स्लेंडर बॉडी है विच इनेबल्स टू क्रॉल इन एंड आउट ऑफ द होल्स, एंड ड्वेलिंग भी करता है अपने प्रे का, द प्रेरी डॉग। ये हैबिटेट की बात करें तो ये आपको शॉर्ट और मिडिल ग्रास प्रेरीज में मिल जाता है इन द नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, एंड आर ओनली फेरेट स्पीसीज नेटिव टू द कंटिनेंट। ये याद रखना हैबिटेट के बारे में, ठीक है, और दीज आर फाउंड इन शॉर्ट और मिडिल ग्रास प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका एंड आर ओनली फेरेट स्पीसीज नेटिव टू द कंटिनेंट, एंड इट ऑफन मेक्स इट्स होम इन अबंडेंट प्रेरी डॉग बरोस। आईयूसीएन रेड लिस्ट में आपका इंडेंजर्ड है, क्या थ्रेट है, तो जाहिर सी बात है इनके प्रे पर थ्रेट रहेगा तो इनका इन पर भी थ्रेट होगा, तो एलिमिनेशन ऑफ प्रेरी डॉग्स नियरली वाइप्ड आउट द फेरल पॉपुलेशन, एंड हैबिटेट लॉस भी है, नॉन नेटिव डिजीजेज है, हाई मोर्टेलिटी रेट भी होते हैं एज द री इंट्रोड्यूस एनिमल्स लैक द सर्वाइवल स्किल्स। सो ये हमने आज डिस्कशन किया, अगले सीरीज में हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन में सीरीज करेंगे। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।